हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय टू चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पटर, आप देख रहे हैं यूनिक चैनल, मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? इस वीडियो का एम है कि आपको स्टैंड प्रो अच्छी तरीके से आता है कि नहीं चेक करना। आपको आप लोगों ने कई जगहों से स्टैंड प्रो सीख रखे होंगे, कुछ लोगों ने यूट्यूब से सीखे होंगे, कुछ लोगों ने मेरे से सीखे होंगे, कुछ लोगों ने कई ढेर सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में भी सीखे होंगे। बट क्या आपको स्टैंड प्रो आ चुका है? स्टैंड प्रो में एक्चुअली क्या आना चाहिए, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। सो वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आप 100% जज कर पाएंगे कि आपको कितना स्टैंड प्रो आता है और कितना और रिक्वायरमेंट है कि भाई सीख लिया जाए। और क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हो कि सर मैंने स्टैंड प्रो सीखा तो था लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, प्लस प्रोजेक्ट किया तो वो सही है कि गलत, कैसे चेक करूं। इसके लिए बहुत दिमाग में आपके पजल चलता रहता है। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपके दिमाग का ये पजल फिनिश हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज की, आज है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है, तो सबको गांधी जयंती की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ एक छोटा सा यूनिक सिविल हमेशा गिफ्ट देता है, तो यूनिक सिविल एप्लीकेशन में आज के दिन रात के 12 बजे तक आपको एक छोटा सा गिफ्ट है। अगर आप लोग हैप्पी गांधी जयंती लिखते हैं कूपन कोड तो आपको यूनिक सिविल का हर एक कोर्स 50% ऑफ पे मिल जाएंगे एज अ गिफ्ट। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े लोग हैं तो हमारी तरफ से छोटी सी जो सहयोग हो सकता है आप सब में से उनके लिए जिनके पास बजट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ऑलरेडी हम लोग बहुत कम फी चार्ज करते हैं, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आज का दिन आपके लिए सुनहरा हो सकता है, इसका फायदा उठा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जी। स्टैंड प्रो, जैसे ये नाम आता है पहला दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए भाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम। क्या हमको पता था इसका फुल फॉर्म? अगर हाँ तो वेरी गुड। क्या इसका फाइल फॉर्मेट होता है, लाइक DWG होता है या फिर RVT होता है या फिर STD होता है? कई लोग सोच रहे हो STD होता है, नहीं, .STD होता है। कभी भी STD नहीं बोलना है, .STD बोलना है। कब जब तक डॉट नहीं लगाओगे फाइल फॉर्मेट क्रिएट ही नहीं होगा, याद रखना, छोटी सी चीज है। प्लस कई लोगों को पता भी नहीं रहता किसका फाइल फॉर्मेट, तो ये भी आपको याद रखना है। किस कंपनी ने सॉफ्टवेयर को बनाया भाई? तो इसको बेंटली कंपनी ने बनाया है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काम में इसका यूज नहीं आएगा, काम में सिर्फ STD का आएगा जब सेंड करोगे फाइल फॉर्मेट को। तो जब इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यूअर आपसे एज अ बिगनर तो रहते हो आप, तो आपसे क्या पूछेगा? तो बोलते हैं स्टैंड प्रो जानते हो? बोलोगे हाँ, फुल फॉर्म बता दो। बता दिया, थोड़ा और मजे लेना चाहा उसने तो क्या बोलेगा भाई इसका क्या बोलते हैं फाइल फॉर्मेट क्या होगा, थोड़े और दिमाग लगाया। किस कंपनी ने बनाया भाई बता दो थोड़ा सा, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब एंट्री करें स्टैंड प्रो के अंदर। जैसे स्टैंड प्रो के अंदर एंट्री करते हैं तो आप सबको पता है कि हम लोग मीटर किलो न्यूटन में काम करते हैं, तो क्या आपको अच्छी तरीके से ग्रिड की एडिटिंग आती है? क्या ग्रिड की एडिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहे हो जिनका आपने ऑटो कैड के अंदर प्लान नहीं बनाया है, डायरेक्ट आप स्टैंड प्रो के अंदर कई लोग बनाते हैं ग्रिड्स को, तो ग्रिड की फुल एडिटिंग आपको आती है क्या? ग्रिड का ओरिजिन कैसे सेट करना है, ठीक है, 0.0.0 कैसे करना है, ग्रिड को कैसे आगे की तरफ आपको लेके आना है, एक्सिस उसके XYZ एक्सिस क्लियर है क्या आपको ग्रिड के अंदर? ग्रिड के अंदर हमको 7.5 मीटर का अगर लाइन ड्रॉ करना है, बीम ड्रॉ करना है, कर लेंगे क्या? अगर हाँ तो मतलब ग्रिड का कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर है। ग्रिड में XY प्लेन XZ प्लेन कर पाते हैं क्या? अगर हाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कभी टावर वगैरह का काम करते हैं या फिर कभी स्लैब का काम करते हैं अगर ग्रिड की एडिटिंग नहीं आती है तो बहुत प्रॉब्लम जाती है और लोडिंग करने में समस्या आती है कि कैसे किधर से जा रहा है। चलिए ग्रिड के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज इंपोर्ट पर्पस, क्योंकि ग्रिड बनाया या फिर इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट करना आपको आता है क्या? कई ढेर सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंपोर्ट तो कर लेते हैं, क्या करते हैं ऑटो कैड में ड्राइंग बनाया उसका ग्रिड तैयार किया, ग्रिड मतलब सेंटर लाइन नहीं आता तो फिर समस्या आ जाएगी। सेंटर लाइन को बनाने का सबसे इजी वे मैं बताता हूं, मेरे सारे स्टूडेंट को पता होगा, कंस्ट्रक्शन लाइन के माध्यम से बहुत इजीली बन जाता है। आपने ऑटो कैड बनाया फिर इसको इंपोर्ट कैसे करना है स्टैंड प्रो में? फाइल फॉर्मेट DXF में सेव करना है लोअर वर्जन में और सेव करने के बाद वहां पर इंपोर्ट कर लेना है स्टैंड प्रो में। इंपोर्ट करना फुल अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। इंपोर्ट में प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब आपको कुछ भी बता दिया जाता है कि भाई एक सर्कुलर ग्रिड है मतलब पोर्च है आपके प्लान में,
ठीक है, कभी भी पोर्ट्स को आप इंपोर्ट करके देखना, सर्किल से इंपोर्ट ही नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलीगॉन को यूज करते हैं। ये सब उसको पता होगा जिसने इसको किया है, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा मैं किस बात इसके बारे में बात कर रहा हूँ। कभी भी नॉर्मल रूम अगर है मान लो, तो रूम तो इंपोर्ट हो जाता है, बट कभी सर्कुलर चीज है तो कैसे इंपोर्ट करोगे, उसको पॉलीगॉन से बनाना पड़ेगा, तब वो इंपोर्ट होगा। चलिए, इंपोर्ट प्रोसेस पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। जब इंपोर्ट का नाम आता है तो तुरंत नाम आता है ट्रांसलेशन रिपीट का। ट्रांसलेशन रिपीट नहीं करोगे तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे कैसे जाओगे? तो जिसको जिसको भी ट्रांसलेशन रिपीट का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो ट्रांसलेशन रिपीट मतलब केवल वही, केवल ट्रांसलेशन रिपीट नहीं, उसमें मिरर आपको आ जाता है, पॉलीगोनल आपको रोटेट करना है, सर्कुलर रोटेट करना है, ये सब आपको आते हैं क्या? अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कई ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास नॉर्मल प्रोजेक्ट आते हैं, तो वो रन स्ट्रक्चर विजार्ड को यूज करते हैं। अब रन स्ट्रक्चर विजार्ड तो स्टेटरों के यूज करने वाला हर एक बच्चे को आना चाहिए। तो स्टेटरों अगर आपको रन स्ट्रक्चर विजार्ड आता है, दैट मीन कि आप काफी हद तक कॉन्फिडेंट हैं स्टेट प्रो के अंदर। अब ये तीन चीजें जो मैंने बताई आपको बेसिक्स, ये तीन चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, बहुत सामान्य है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो रहा भाई टूल। अब टूल के बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बातें कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला चीज आता है वो आता है सपोर्ट। क्या आपको सपोर्ट का फुल नॉलेज है, कहां पर फिक्स लगाना है, कहां पर फिक्स बट लगाना है, कौन सा सपोर्ट? क्योंकि कई लोग बोलते हो पिन सपोर्ट, और पिन सपोर्ट सोचते हैं स्टैट प्रो कहां पर है, पिन सपोर्ट स्टैट प्रो तो दिखता नहीं। कमेंट करो पिन सपोर्ट को स्टैट प्रो में क्या बोलते हैं, स्टैट प्रो की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पता चल जाएगा कितने लोगों को पता है स्टैट प्रो में पिन सपोर्ट किसको बोलते हैं। चलिए, तो आपको सपोर्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सपोर्ट के साथ बीम कॉलम के साइजेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बीम कॉलम के जितने भी साइज होते हैं वो कैसे डिसाइड करोगे, ये हम जहां पर अभी मैं हूं यहां पर जो कॉलम लगाऊंगा, अगर ये 3 स्टोरी की बिल्डिंग है तो कॉलम का साइज अप्रोक्स कितना रखना चाहिए, बीम का साइज कितना रखना चाहिए, बीम का वेट कितना रखना चाहिए, बीम का डेप्थ कितना रखना चाहिए, कॉलम का डेप्थ कॉलम का वेट कितना रखना चाहिए, कॉलम का ओरिएंटेशन कितना रखना चाहिए, ये टेक्निकल चीजें हैं। क्या आपको ये आता है? अगर हाँ तो आपने सही सीखा है स्टैट प्रो को भाई। और इसके साथ ही साथ अगर बीम कॉलम को लगाना आपको आता है तो स्लैब को कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लैब की थिकनेस कैसे डिसाइड करेंगे, कि शॉर्टर स्पैन में बेसिकली तो मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, इसके बारे में हमें नॉलेज है क्या? इसके साथ ही साथ चीजों चलो हो गया स्लैब के बारे में, बीम के बारे में, कॉलम के बारे में। अब लफड़ा आता है कि भाई कुछ स्पेशल मेंबर आ गया तो, स्पेशल मेंबर लाइक शियर वॉल आ गया तो शियर वॉल को कहां लगाएंगे, शियर वॉल का एक्चुअली बेस्ट लोकेशन क्या होगा। कई लोगों को ये नहीं पता रहता शियर वॉल लगाते क्यों है, तो क्या आपको पता है कि शियर वॉल क्यों लगाते हैं, शियर वॉल के टाइप्स पता है क्या? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, व्हाई वी यूज शियर वॉल, एक लाइन में आंसर करने की कोशिश करना, देखता हूं कितने लोगों को पता है। तो शियर वॉल वहां से लगाते हैं जहां से मैक्सिमम पोर्शन को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ठीक है, आपके टॉर्जन को कंट्रोल करता है, ट्विस्टिंग को कंट्रोल करता है शियर वॉल। शियर वॉल के अलग अलग टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ शियर वॉल का मैंने फुल डिटेल 1 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिए शियर वॉल में आकाश पांडे तो आपको मिल जाएगा, फुल डिटेल पढ़िएगा। इसमें मैं सिर्फ टॉपिक खेल लूंगा, नहीं तो फिर आगे नहीं पहुंच पाऊंगा, आगे और टॉपिक्स बताने आपको। तो शियर वॉल के बारे में पता है क्या? चलिए शियर वॉल कैसे असाइन करते हैं, होप्स हो पता होगा आपको। अब आता है सपोर्ट हो गया, मेंबर हो गए, अब आता है लोडिंग। क्या आपको लोडिंग कैलकुलेट करना आता है क्या? लोडिंग कैलकुलेट का मतलब सिर्फ डेड और लाइव नहीं है, डेड और लाइव के साथ आपको सिस्मिक लोड कैलकुलेट करना आता है क्या? किसी बिल्डिंग में विंड की जरूरत है, वहां पर विंड कैलकुलेट करना आपको आता है क्या? ये चारों चीज आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि सिस्मिक कैसे लगाएंगे, विंड कैसे लगाएंगे, और डेड लोड कैसे लगाएंगे, लाइव लोड कैसे लगाएंगे, इनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन है क्या? चलो मान एक एक करके बात करता हूं सब पे। डेड लोड पे, डेड लोड कैसे करते हैं सबको पता है, सेल वेट स्टेट प्रो ले लेता है, सेल वेट में हम लोग फैक्टर देते हैं 1 का 1.2 का 1.25 का और 1.5 का, वो जैसे बिल्डिंग से जितना रिस्क फैक्टर है उसके हिसाब से हम लोग असाइन करते हैं। क्या आपको पता है कि हमको अगर स्लैब का लोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कई बच्चों को पता होगा डेंसिटी टू थिकनेस, इसे क्या होता है स्लैब का लोड निकल जाता है। अब स्लैब का लोड निकलना तो जो आता है बहुत अच्छी बात है, क्या आपको इसके बाद जैसे कि शियर वॉल है तो शियर वॉल को कैसे, इसके लोड को कैसे असाइन करेंगे, इसमें जो भी हॉरिजॉन्टल प्रेशर आएगा तो ये सब किससे निकालते हैं, सिस्मिक से निकालते हैं। तो सिस्मिक कैलकुलेट करना आता है क्या? बेस शियर के बारे में पता है क्या? बेस शियर कैसे कैलकुलेट करेंगे, VB = AH × W। तो AH क्या होता है भाई, कैलकुलेट करना आता है ZI/2R × SA/Z, पता है क्या? तो आपको AH × W अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, VB के
आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब सेस्मिक का फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे बता रखे हैं कि सेस्मिक को मैन्युअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो सारे बच्चे जिन्होंने स्टैट को सीखा है ऑलरेडी, मैंने भी सिखाया हुआ कि सेस्मिक को मैन्युअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लीज आज के आज ही इसको खत्म कर डालो टॉपिक को, आज पढ़ लेना सेस्मिक को मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिसको मैनुअली आ गया ना उसको सॉफ्टवेयर की रीडिंग करना बहुत आसानी से आ जाता है। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका विंड, विंड आपको कैलकुलेट करना आता है क्या, विंड को भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैनुअली एज वेल एज सॉफ्टवेयर सीखना, तब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। इसीलिए ना मैंने एक जो एक आपने देखा होगा मेरे ऐप पर यूनिक्सिबल एप्लीकेशन पे मैंने कॉम्बो करके कोर्स बना दिया है। कॉम्बो में क्या है, उसमें मैंने मैनुअल एक्सेल और स्टैट प्रो को मिक्स किया है, जिससे भाई आपको मैनुअली भी चीजें पता रहे और एक्सेल के थ्रू भी पता रहे और स्टैट प्रो तो पता होना ही चाहिए। तो ये मैंने कॉम्बो बना दिया है और आज के दिन जो लोग ले लेंगे उनको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है अप्रॉक्स 3000 का है और उसमें भी 1500 का केवल मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए तो अगर आपको स्टैट प्रो में इतना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये सारे मैंने उसके अंदर ऐड कर रखे हैं। अब सेस्मिक आ गया, आपको विंड आ गया, डेड लोड आ गया, अब बचा लाइव लोड। लाइव लोड कैलकुलेट करना आता है, रेसिडेंशियल में लोग 2 किलो न्यूटन लगाते हैं, कॉमर्शियल में 4 किलो न्यूटन लगाते हैं, स्टेयर केस में रेसिडेंशियल में 3, स्टेयर केस कॉमर्शियल 5। ये आपको पता है क्या, बालकनी में कितना लगाते हैं, स्टोर रूम में कितना लगाते हैं, इसके लिए IS 875 पार्ट 2 अच्छे से पढ़ लो, डेड लोड के लिए 875 पार्ट 1 अच्छे से पढ़ लो, अर्थक्वेक जब मैनुअली करने जाओगे तो IS 1893-2016 का कोड जरूर यूज करना, क्योंकि उसी से आपको रिसेंट गाइडलाइंस पता चलेंगी, तो इसके बारे में भी आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। चलिए भाई लोडिंग क्लियर हो गया मान ले, चलो अब आता है एनालिसिस के पार्ट। एनालिसिस के पार्ट जब आप करने जाते हो तो आपका नॉर्मल एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करने के बाद आपको डाटा आ जाता है, एक रिजल्ट आता है जिसमें रिएक्शन वगैरह के बारे में बताता है। अब कई लोग उसको बस फटाफट लिए और कर दे, इसमें इस रिएक्शन में क्या क्या आता है, ये आपको रीडिंग करना आता है क्या? अगर रीडिंग करना नहीं आता तो आप थोड़े से भी वहां पर वीक पढ़ रहे हो, अच्छे तरीके से स्टेट प्रो के एक डाटा को रीड करो, रिएक्शन दे रहा है कहां पर, क्या रिएक्शन दे रहा है, सेस्मिक विंड लगाया तो उसके डाटा क्या क्या दे रहा है ये पता है क्या? एक टॉपिक में मिस कर गया, ये जो चारों लोड तो आपको पता चल गया, जिसमें से विंड तो मान लो कम ही केस में लगाते हैं, बट सेस्मिक और डेड और लाइव लगाते हैं, तो भाई इनका बनाते हैं लोड कॉम्बिनेशन। क्या बनाते हैं? लोड कॉम्बिनेशन। वैसे तो मैं लोड कॉम्बिनेशन पे एक सेपरेट वीडियो बनाने के प्लान में हूं, लेकिन आपको लोड कॉम्बिनेशन पता है क्या? ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टेट प्रो, तो स्टेट प्रो ऑटोमेटिक लोड कॉम्बिनेशन भी क्रिएट करता है, लेकिन उससे अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो इतना ज्यादा रेनफोर्समेंट लग जाता है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है ऑन साइट करने में। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको लोड कॉम्बिनेशन बनाने भी आने चाहिए। लोड कॉम्बिनेशन को कैसे बनाना है? लोड कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए डेड, लाइव और अर्थक्वेक, ये तीनों है, इन तीनों से बात करो। अब कई लोग सोचते हैं कि सर ये लोड कॉम्बिनेशन होता है क्या है, मैं तो इंस्टीट्यूट में गया था, उन्होंने बोला था यहाँ ऐसे क्लिक करना लोड कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बट ये होता क्या है, लोड कॉम्बिनेशन एक्चुअली इसका काम क्या है? तो चलिए आज आपको क्लियर कर देता हूं भाई लोड कॉम्बिनेशन होता क्या है। लोड कॉम्बिनेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप इजिली ये चेक कर पाते हो कि मैक्सिमम लोडिंग कंडीशन पर आपका स्ट्रक्चर का बिहेवियर क्या होगा, आपका मैक्सिमम लोड का जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर क्या रहेगा। सपोज मेरे पास एक वॉच है, अब इस वॉच को उठाना है, वॉच का जो लोड है वो मान लो 2 किलो न्यूटन है, कितना है लोड इस वॉच का 2 किलो न्यूटन, होता तो ऐसे हो जाता, बट एज्यूम कर लो कि 2 किलो न्यूटन है। अब इस वॉच को उठाना है, वॉच इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, बिल्डिंग को अगर उठाना है तो कैसे उठाओगे? तो उठाने के लिए 3 लोग अवेलेबल है, कौन कौन? डेड है, लाइव है और अर्थक्वेक है। अब इन तीनों को यूज करके आपको डिफरेंट डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अपना IS कोड IS 1893-2016 में पूरा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकली कैसे लगाना है थोड़ा और समझा देता हूं। आपने तीनों को ले लिया, तीनों को लेने के बाद आपको पता चला कि भाई जब तीनों आ जाएंगे तो हमारा बिल्डिंग कैसे परफॉर्म करेगा, ये कैसे परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा उस टाइम पे उसका बिहेवियर क्या आ रहा है। इसके बाद हमने इनको फैक्टर दे दिया, हमने सेल रेट को बोला यार तुम खाए पिए नहीं हो, थोड़ा सा तुम मजबूत हो जाओ, कितना 1.2, हमने इसको क्या कहा, तुम 1.2 मतलब जो हो उसमें 20% और इंक्रीज हो जाओ, मोटे हो जाओ, फिर आना इसको उठाने के लिए। लाइव लोड को बोला कि तुम उतने ही रहो, अर्थक्वेक को भी बोल दिया कि भाई तुम भी 1.2 अपने आप को 20% और स्ट्रॉन्ग करके उठाने की कोशिश करो। तो कॉम्बिनेशन मतलब होता है सबको मिला के हमने जज किया। अब कॉम्बिनेशन इतना हैवी मत लगा दो कि
से तो हो जाएगा पर ट्रेंड फोर्समेंट ज्यादा पड़ जाएगा। कॉम्बिनेशन मीडियम क्वालिटी का रखो, मीडियम रखोगे तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन के अंदर। चलिए होप सो कॉम्बिनेशन भी क्लियर होगा, बट वेट करना बहुत जल्दी मैं कॉम्बिनेशन पे भी वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करना लोड कॉम्बिनेशन, तो फुल डिटेल कॉम्बिनेशन पे ही वीडियो लेके आऊंगा। चलिए एनालिसिस हो गया, एनालिसिस के बाद जो लास्ट प्रोसेस आता है वो क्या आता है, डिजाइनिंग आता है, राइट। तो डिजाइनिंग करने के लिए आप तैयार हैं तो चलिए डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन में क्या आपको एफसी एफवाई पता है क्या, आपको क्लियर कवर पता है क्या? अब एफसी एफवाई मत पूछना, ठीक है, एफसी एफवाई तो आपको पता ही होगा, एफसी कितना है, एफवाई कितना यूज कर रहे हो, ठीक है। अभी 415 का स्टील तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो 500 550 का स्टील हम लोग यूज करते हैं, कर लो डिजाइन फटाफट। डिजाइन करने के बाद आप देखो कि इसमें परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आ रहा है, क्या आपको पता है कि 0.8% के ऊपर स्टील आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है, या फिर उतना आ रहा है तो भी सही है। तो स्टील देखना आपको आ रहा है क्या, डिजाइन में कितने एमएम का टॉप में कितने एमएम का बॉटम में आपको स्टील बता रहा है, आपको पता है क्या? अगर पता है तो बहुत बेहतरीन है। कई लोग इसको आरसीडीसी पे भी लेके जाके डिजाइन करते हैं, वहां पर भी कर सकते हैं, आरसीडीसी में थोड़ा स्टील ज्यादा आता है, तो वही लोग यूज करें जो एक्सपर्ट है एडिटिंग के, बिगिनर्स के लिए स्टैट प्रो में ही कर लो तो बेटर है, मेरा सजेशन ऐसा है। और आरसीडीसी आता है तो उसे बोलते हैं अति उत्तम, क्या बोलते हैं अति उत्तम, क्योंकि स्लैब और स्टेयरकेस को डिजाइन करना स्टैट प्रो में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग वहां पर जाकर डिजाइन करते हैं। पॉसिबल इन द सेंस में बार का साइज वगैरह नहीं दिखाता है तो बिगिनर्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि कितने एमएम का स्टील डालूं, तो बेटर है कि स्टेयरकेस को और स्लैब को तो आप वहीं पर कर दो। अब बात आई स्टैट में, आपने बीम कॉलम को डिजाइन कर लिया, स्लैब को और स्टेयरकेस को आप आरसीडीसी में भेज दिए, अब बचा फुटिंग। तो फुटिंग के लिए क्या आपको स्टैट फाउंडेशन आता है क्या? स्टैट फाउंडेशन के अंदर आपको पाइल की डिजाइन आती है क्या, आइसोलेटेड फुटिंग की डिजाइन आती है क्या, कंबाइंड की आती है क्या, और मैट की आती है क्या? ये चारों टाइप्स के आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, कैसे कैसे लगाना है, सॉइल का जो एसबीसी होता है वो पुट करना आपको आता है क्या, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम एरिया कितना रखेंगे फुटिंग का, आपको एडिट करना आता है क्या, इसेंट्रिक फुटिंग आपको करना आता है क्या? कभी भी आइसोलेटेड करोगे तो उसमें पूछता है कि स्लोप चाहिए या इसेंट्रिक चाहिए या फिर स्लोप इसेंट्रिक दोनों चाहिए, वो आपको एडिट करना आता है क्या? आइसोलेटेड फुटिंग में ही देखोगे तो वहीं पर ऑप्शन है, ठीक है, अभी तो मेरे पास स्टैट प्रो नहीं है यहाँ पर, बट वहां पर आप जाकर देख सकते हो। और सो मेरे सारे स्टूडेंट को लगभग लगभग शायद पता होगा जिन्होंने भी बहुत डीप में जाके स्टडी किया होगा इसको, तो ये स्टैट प्रो का एक ओवरव्यू है जिसमें आपको एक समराइज पता चल गया होगा कि भाई हमें मेंबर के बारे में क्या पता होना चाहिए, हमें लोड के बारे में क्या पता होना चाहिए, हमें सपोर्ट के बारे में क्या पता होना चाहिए, एनालिसिस के बारे में, डिजाइन के बारे में, और लोड कॉम्बिनेशन वगैरह के बारे में। अगर इतना आपको पता है तो आप बिल्कुल भी पीछे मत रहिए। अब बस लास्ट बनता है वार्निंग्स एंड एरर्स। एरर और वार्निंग्स अलग अलग बनते हैं, डेंसिटी नॉट फाउंड या डेंसिटी नॉट प्रोवाइडेड, मतलब जो आपने मेंबर का साइज असाइन किया है वो नहीं प्रोवाइड है, उसको डिलीट करो फिर से लगा दो, मेंबर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी एंगल का प्रॉब्लम देता है, तो एंगल के लिए आपको बेटा एंगल आता है क्या, कि बेटा एंगल से कैसे एंगल रोटेट करेंगे, अगर आता है तो आप बिल्कुल परफेक्ट है। आपको कभी कभी पूछेगा रेनफोर्समेंट एक्सीड, ठीक है, आपको पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो तुम साइज दे रहे हो साइज में वो रेनफोर्समेंट सेट नहीं हो रहा है, आप मेंबर के साइज को बढ़ा दो, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछता है वन और मोर लाइंस आर टू हाई, ठीक है, मुझे तो रट गया है क्योंकि मैं कई बैचेस पढ़ा चुका हूं, तो मतलब मुझे तो वार्निंग्स और एरर भी रट गए हैं, बट जो इंपॉर्टेंट हो मैं तुमको बता दे रहा हूं। वन और मोर लाइंस आर जब सीरो लगाते हो तो ऐसा प्रॉब्लम करता है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको एडिटर आना चाहिए, स्टैट एडिटर। स्टैट एडिटर में जो लाइंस आपकी ब्लू से ग्रे हो गई हैं, ठीक है, किसी दिन इस पे डीप वीडियो बनाऊंगा, डाउट लेक्चर में बहुत बता चुका हूं, तो ब्लू से ग्रे हो गई हैं, तो उनको जो ग्रे हो गई उनको दूसरे लाइन में सेट कर दो स्टैट एडिटर में, वो फिट हो जाएगी, आपकी वार्निंग्स भी सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि सेसमिक लगाया फिर बिल्ड लगाया तो कुछ वार्निंग्स वगैरह यूबीसी का वार्निंग्स दे देता है, तो इसको भी सॉल्व करने का प्रोसेस है, ठीक है, तो एक दिन कोशिश करूंगा। आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो यूबीसी का भी आपको वार्निंग्स पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं, मास्टर स्लैब पता होना चाहिए कैसे असाइन करते हैं, ये सब छोटी चीजें, रिलीज करना आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बहुत सी चीजें हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको सारे टॉपिक्स आते हैं तो 10 प्रोजेक्ट का डालो, कितने प्रोजेक्ट, 10 प्रोजेक्ट का डालो, मैक्स प्रोबेबिलिटी होगी कि 5 प्रोजेक्ट आपके गलत होंगे, बट जो छठवां सातवां आठवां होगा उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो आप यूनिक्स सिविल एप्लीकेशन पे आ जाना और वहां पर चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना 1 से 2 दिन के बीच में, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है कि बहुत मैसेज रहता है, आपके मेल पर या फिर
आपका क्या बोलते हैं चैट बॉक्स में ही आपको पीडीएफ चले जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप वहां से पीडीएफ डीडब्ल्यूजी फाइल चली जाएगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप आराम से ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे पास बहुत से प्रोजेक्ट है, क्या करेंगे हम उन प्रोजेक्ट का, आप उनको प्रैक्टिस करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, बेनिफिट होगा। होप आपको मैंने समराइज कर दिया कि स्टैट प्रो कितना आता है, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया। जिन लोगों ने यहां तक देखा उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग टुमारो, वेट करो, मजा आएगा। अब हम आ चुके हैं पूरी पूरी एनर्जी के साथ, तो अब आपको डेली स्ट्रक्चर और बीम से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। चलिए।